नमस्कार। वास्तु की आज की टिप्स में मैं एक टिप्स बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी देने वाली टिप्स दे रहा हूँ। किसी भी डायरेक्शन का मेन डोर हो, पूर्व दिशा का है, उत्तर दिशा का है कि पूर्व पश्चिम दिशा का है कि दक्षिण दिशा का है, या अग्नि कॉर्नर का है, वायु दिशा का है, या नैऋत्य दिशा का है, किसी भी डायरेक्शन का मेन डोर है, आपके घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, किसी भी डायरेक्शन का, वो डायरेक्शन के बाहर की साइड पे और डोर के ऊपर की बाजू पे सेंटर में आपको हमेशा स्वस्तिक लगाना चाहिए। स्वस्तिक और ओम का चिन्ह होना चाहिए, ये दोनों रेड कलर में होना चाहिए। स्वस्तिक और ओम रेड कलर का शकन का जो होता है वो मेन डोर के ऊपर की साइड पे अगर आप लगाएंगे तो हर दफ़े कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो डाउन हो जाएगी और आपको बेनिफिट देगी पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट करने में। और हर दफ़े हमें रेगुलर आप देखिए रेड कलर ओम और स्वस्तिक हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ी उसकी गिनती है, बहुत बड़ी नामना है और बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला सिम्बॉलिक है। अगर वो आपके कोई भी डायरेक्शन का मेन डोर है उसके ऊपर बाहर की साइड में आप लगाते हैं तो आपको हमेशा निश्चित हो कि आपका कार्य करना चाहिए और रहना चाहिए। और आप क्योंकि आपके मेन डोर के बाहर की साइड पर आपने ओम और स्वस्तिक आपकी शुभ चिन्ह को लगा दिया, वो आपको हमेशा सुख समृद्धि और शांति देगा और तकलीफ से आपको बचाएगा, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट को आपसे आपके आवाज से दूर रखेंगे। वो हिसाब से मैं खास एक बात कहना चाहता हूँ, मेन डोर के ऊपर की साइड में बाहर की साइड में ओम या तो स्वस्तिक लगाना चाहिए, वो रेड कलर का होना चाहिए। नमस्कार।